मैंने तो सीजन वन मास्टर शेफ में देखा हुआ तो नविका इज अ बैंड विच इज डेडिकेटेड टू फूड एंड दैट इज योर ऑडियंस ऑल द पर्सन फ्रॉम द फूड टेल नविका हैज सपोर्टेड दिस इवेंट पारेश्री एंड प्रिंसिपली बोथ लाइक दे हैव हेल्प्ड अस इन एवरी वे तो वी जस्ट आस्क यू प्लीज गिव यू अ पेपर रिस्पेक्ट फॉर थैंक यू
Women's Day, very special day for girls and women. Yeah. So you've been awarded with this prestigious award today. How are you feeling, Preekshi? What is your take on this? Firstly, I'm feeling very, really good. मुझे नहीं पता था कि खाना खुना पसंद है तो उसके लिए award भी मिल जाएगा. So yeah, right now I'm feeling very good and also blessed that जो भी followers वगैरह हैं, they appreciate my content and they love it. जो भी कुछ मैं डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ. मेहनत काफी दिनों से कर रहे, काफी सालों से, बल्कि मैं कहूँगा दो साल होने वाले हैं. तो कंटेंट में क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में पहुँचने के लिए, बहुत सारे फॉलोअर्स लेने के लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने के, या किसी भी एक पर्टिकुलर हॉबी को लेकर आप अपना ब्लॉग बनाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, सबसे पहला तो है कि खाना पसंद हो, प्यार होना चाहिए कि यदि यू लव फूड, ठीक है. और दूसरा ये होना चाहिए कि आपको देखना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है खाने में, तो वो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट करना एंड कंसिस्टेंट रहना. कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पोस्ट कर रहे हो और 10 दिन गायब हो जाते हो. एवरी डे सपोर्ट रहती है या थोड़ा होता है कि भाई क्या है फूड ब्लॉगिंग, क्या होता है नहीं पता होता किसी को. प्रोफेशन नहीं है ये एग्जैक्टली. लोगों को लगता है प्रोफेशन नहीं है, बट देन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो बहुत बड़ी फील्ड है, प्रोफेशन है, बन सकता है. बट यस, टाइम लगता है. देखते हैं परीक्षा अगले साल क्या जीतते हो आप. इस विमेन डे पे आपको आपका स्पेशल अवार्ड मिल गया, बहुत प्यारा अवार्ड है. थैंक यू. और वी होप कि आप बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को दे. हम अगले साल फिर मिलेंगे आपसे. अपनी मंजिल अचीव कर रही है, शायद मैं भी हो जावा. तो मैं ओदे ते लिखा सी कि जिस राह ते जांदे ने सब, उस राह ते जाना चंगा नहीं लगदा. जिस राह ते जांदे ने सब, उस राह ते जाना चंगा नहीं लगदा. मैनू हुण आम रास्तियां दा सफर चंगा नहीं लगदा. मंजिल ते जाके रुकना साडी फितरत नहीं, मंजिल ते जाके रुकना साडी फितरत नहीं. बने हो मुसाफिर ते आराम चंगा नहीं लगदा. खुशहाल ते जांदे ने सब, खुशहाल जाना चंगा नहीं लगदा.